नमस्कार दोस्तों, एजुपेडो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है और स्वागत है मेरे चैनल एजुपेडो पे आपका। और दोस्तों देखिए, बहुत सारी कंप्लेन आ रही है या ये कहें कि रिक्वेस्ट आ रही है या फिर हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है वीडियो सर्च करने में। बहुत सारे छात्रों ने मुझे व्हाट्सअप किया है और उसके साथ ही कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं कि सर हमें बताइए, ये वाली वीडियो दे दीजिए, साइंस की वीडियो दे दीजिए, एसएसटी की वीडियो दे दीजिए, मैथ के सॉल्यूशन की वीडियो दे दीजिए। तो ये जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बच्चे सर्च नहीं कर पा रहे हैं और शायद ये आपके साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए मैं जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से YouTube में आप किसी भी चैनल के जो वीडियो है वो कैसे देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, इसके साथ जो है कि आप बेल बटन भी पुश कर देते हैं, फिर भी आपको जो वीडियो चाहिए वो वीडियो आप पूरी नहीं देख पाते या आपको नहीं मिलती है। तो कैसे नहीं मिलती या फिर वो कैसे आप प्राप्त करेंगे, कैसे उस तक पहुँचेंगे, वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों देखिए, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना YouTube ब्राउज़र खोलना है। अगर मैं बिल्कुल बाहर आ जाऊँ तो हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने, ठीक है, होम स्क्रीन पे। अब मैं YouTube पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने अपना YouTube ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, जिस भी चैनल के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप उस चैनल का नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए मुझे अपने चैनल के बारे में मुझे कुछ वीडियोज़ देखनी है, तो हालांकि मेरा यहाँ पे शो हो रहा है एजुपेडो इन्फो, लेकिन आप जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो है आप अगर सर्च कर रहे हैं तो आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, एजुपेडो और फिर डैश दे के, ठीक है, इन्फो। जब आप ये टाइप कर देंगे तो खुद ही नीचे ऐसा बना हुआ लिखा हुआ आ जाएगा, आप जो है उस पर क्लिक करिए। अब मान लीजिए आपको वीडियो देखनी है साइंस की, ठीक है, या फिर आपको जो है वीडियो देखनी है किसकी, मैथ्स की, तो आप कैसे देखेंगे। तो देखिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप जो है इसमें जाइए, यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप इस चैनल के इस पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे इस आइकन पर तो आप देखेंगे आप मेरे चैनल के अंदर आ चुके हैं। अब क्या होगा कि आप ऐसे ही किसी भी चैनल के अंदर जा सकते हैं। मान लीजिए आपको वीडियो देखनी है तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है वीडियो, यहाँ लिखा है प्लेलिस्ट और यहाँ लिखा है चैनल, तो जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ ये आता जाएगा और उसकी वीडियोस आती जाएंगी। तो क्योंकि हमें वीडियोस देखनी होती हैं तो देखिए अगर मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सैकड़ों वीडियो है मेरी बनाई हुई, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हैं। तब सारी वीडियो आप कैसे सर्च करेंगे। अब मान लीजिए आपको कुछ और चाहिए और ये तो टाइम के अकॉर्डिंग दिखाता है कि जो अभी की बनाई हुई वो दिख जाएगी आपको और जितना मैं नीचे करूँगा वो उतने पहले की वीडियो आएगी, तो आप ऐसे सर्च नहीं कर पाएंगे। तो इससे सबसे आसान तरीका इसलिए ये होता है कि आप प्लेलिस्ट पे जाएं। किस पे जाएं, पहले इस पे क्लिक करें, ऐसे होम पेज खुल गया, उसके बाद ये देखिए यहाँ वीडियो लिखा है, यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो है प्लेलिस्ट है, यानी कि इसके अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोज़ होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइंस सपोर्टिंग मटेरियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर साइंस के सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, ओके। और अगर मान लीजिए मुझे मैथ के सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर लिखा है क्लास 10 सपोर्टिंग मटेरियल सर्कल, तो मैं सर्कल पर क्लिक करूँगा तो इसकी सर्कल की सारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे कोई और, जैसे मान लीजिए मुझे 10th की साइंस की वीडियोज़ देखनी है और एक ऐसे तो मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंस की सारी वीडियोज़ आ गई, जो जो वीडियोज़ हैं इसमें सब आ जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोज़ आराम से देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, ओके। उसके लिए क्या करना है मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, आपको जो है अपना ब्राउज़र खोलना है यूट्यूब, यहाँ पर सर्च कर देना है एजुपेडो इन्फो, उसके बाद जो है आप आ जाएंगे होम पेज, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते आप होम पेज पर आ गए, होम पेज में आप वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो दिखाई देगी, लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है ये उनके बारे में यहाँ पे समझाया गया कि क्लास 10 सपोर्टिंग मटेरियल तो 20 वीडियो है, इसमें आपको सारी ट्रिगोनोमेट्री की 20 वीडियोज़ मिल जाएंगी, ये सारे मैंने सारे सपोर्टिंग मटेरियल से सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है कि बहुत सारे छात्रों ने बोला है कि सर इस चैप्टर को भी सॉल्व कर दीजिए, उस चैप्टर को भी सॉल्व कर दीजिए, मैं ज़रूर कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब अगर मैं सपोर्टिंग मटेरियल में लगा रह जाऊंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, क्योंकि अब मैंने ट्रिगोनोमेट्री को ही पूरे 15 दिनों में सॉल्व किया है, क्योंकि वीडियो बनाने में, प्रोसेस करने में, एडिटिंग करने में, फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए और बहुत से हमारे छात्र हैं वो ये कह रहे थे कि सर आप जो है आप सपोर्टिंग मटेरियल ना कराएं, आप जो है सैंपल पेपर कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएं सैंपल पेपर के। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आप सैंपल पेपर के फेवर में हैं ज़्यादा या फिर आप जो है सपोर्टिंग मटेरियल को भी फॉलो करना चाहते हैं। आप अपने जो है कि सुझाव इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे जाकर और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप बताएंगे मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादा ज़रूरत सपोर्टिंग मटेरियल की है तो मैं सपोर्टिंग मटेरियल पर ही पहले काम करूँगा, उसके बाद जो है
सैंपल पेपर पे। और अगर आपको लगता है कि सैंपल पेपर पहले ज़रूरी है तो आप वो भी बताइए, मैं सैंपल पेपर पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये भी बताइए कि साइंस पहले करवाऊँ मैं या मैथ करवाऊँ पहले। अगर साइंस आप पहले कहेंगे तो साइंस में आपसे वादा करता हूँ कि मात्र 25 दिन के अंदर साइंस की सारी वीडियो मैं बना दूंगा, हर एक चैप्टर की सपोर्टिंग मटेरियल की। और सैम्पल पेपर की अगर चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। सपोर्टिंग मटेरियल साइंस में जल्दी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसमें कम है और आंसर्स वाले ज़्यादा हैं। और मैथ में दोस्तों टाइम लगता है, आप इस बात को समझिए, थोड़ा बहुत टाइम जो है लगता ही है इसमें। सॉल्यूशन में टाइम लगता है, एक क्वेश्चन में 10 मिनट 15 मिनट ऐसे लगते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आई होप कि आप अपने सुझाव देंगे इस वीडियो के नीचे। अगर आप नए व्यूवर हैं तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल बनेगी तुरंत सब्सक्राइब करने के बाद, उसे ज़रूर पुश करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच जाए। और आपका बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सहयोग देने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने सुझाव ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।